इस्लाम शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है। अल्लाह का फरमान है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अब इस्लाम ही चलेगा दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए। अच्छा, इस्लाम क्या है? तो हम अल्लाह के रसूल से ही पूछ लेते हैं। एक शख्स आए जिब्रील इंसानी शक्ल में आकर के लेंगे, या रसूल अल्लाह मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो अब देखिए, आपने कहा इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रोज़ा रखना और अल्लाह के घर का हज करना, जो कर सकता हो। ये साथ लगा दिया कि सब पे फ़र्ज़ नहीं, ज़कात सब पे फ़र्ज़ नहीं, रोज़ा नमाज ईमान, ये तीन चीज़ें। ईमान 24 घंटे फ़र्ज है, नमाज 5 वक्त फ़र्ज है, और रोज़ा महीने में साल में 1 महीना फ़र्ज है, और उसमें भी बीमार के लिए छुट्टी है, मुसाफिर के लिए छुट्टी है। ज़कात पैसे वाले पर है, नहीं है तो छुट्टी है। और हज भी, पैसा भी हो सेहत भी हो, पैसा कोई नहीं माफ़, पैसा है सेहत कोई नहीं माफ़। अब इसी बात को मैं, ये है इब्तदाए इस्लाम। इंतहाए इस्लाम क्या है? मेरे नबी से एक शख्स ने पूछा, या रसूलुल्लाह मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? अब आपका जवाब और है। क्या मतलब है कि अब आप इस्लाम की इंतहा बता रहे हैं? चूँकि ये सवाल आखिरी हज के मौका पर अम्र बिन अब्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे सवाल किया, जब इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, या रसूलुल्लाह मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो आप सुनिए क्या खूबसूरत जवाब है। तो आपने फरमाया इत्आमुत ताम वसीबुल कलाम। इस्लाम है मेरे अजीज मीठा बोल बोलना और खाना खिलाना। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत इस्लाम बताया। खाना खिलाना, मीठा बोल बोलना। खाना गरीब आदमी ना खिला सकता हो तो ज़बान तो अल्लाह ने सबको दी है ना। मीठा बोल बोलना, सारी लोगों की कड़वाहटों को अंदर उतार लेना और अपनी ज़बान में मिठास भर के लोगों से बात करना। गिले शिकवे ताने बोलियाँ तोहमत इल्ज़ाम गालियाँ बेइज्जत करना, पगड़ी उछालने वाला इस्लाम को नहीं जानता, इस्लाम से दूर है, चाहे तहज्जुद गुज़ार हो चाहे रोज़ेदार। हज़रत उमर का फरमान सुनो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अय्युहन नास ला तग़ुर्रन्नकुम तंतनतुर रजुल बिल्लैल फ़ी सलात। लोगों, किसी को तहज्जुद में रोता देख के ये ना समझने कि बड़ी पहुँची हुई सरकार है। इन रजुल रजुल मन अद्दल अमानत इज़ा तुमिन व मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। उमर जैसी हस्ती फरमा रहे हैं कि सुन लो, कामिल कामिल इंसान वो है जो किसी को धोखा ना दे और जो किसी को दुख ना पहुंचाए, वो है कामिल इंसान। हमारे माहौल में इबादत गालिब हैं और अखलाक मगलूब हैं, तो लंबे लंबे नफल, हर साल हज करना, उम्रे पे उम्रा करना बहुत अच्छी बात है, अल्लाह को पसंद है, महबूब है, लेकिन कमाल इबादत से नहीं आता, कमाल अखलाक से आता है। तो मेरे नबी ने फरमाया कि इस्लाम है मीठा बोल बोलना, खाना खिलाना। फिर वो पूछता है, अच्छा या रसूलल्लाह अय्युल इस्लाम अफ़ल, इस्लाम का सबसे आला दर्जा क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जो अपने हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, ये सबसे आला दर्जे का मुसलमान है। आप देखिए आप क्या फरमा रहे हैं, क्या खूबसूरत बात। जो जिहाद करता है वो सबसे आला दर्जे का मुसलमान है, जो तबलीग करता है, जो ज़िक्र के सारे और मुराकबे के सारी मनाजिल तय करता है, जो इल्म के समंदर में गोते लगाता है, जो रातों को उठ उठ कर रोता है, जो इतने हज़ार दफ़ा ये पढ़ता है, इतने हज़ार दफ़ा ये पढ़ता है, इतने हज़ार दफ़ा ये पढ़ता है, जो हर साल हज उमरे करता है, नहीं, सबसे आला दर्जे का मुसलमान वो है जो किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। खैरुन्नास मन यन्फ़ुन्नास, आपने फरमाया सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दुनिया के किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचाए, नफ़ा पहुंचाए। इंसान मुस्लिम भी नहीं कहा, हर इंसान के लिए
जो सुख का वायस बन रहा है और दुख नहीं पहुंचाता, वो सबसे आला दर्जे का इंसान है।